भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ। तो 70,000 करोड़ रुपया हड़पने वाला को अपने यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उन पे सारे केस को खत्म करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पर था, अपने मंत्रिमंडल में के सामने वो बिल लेकर के आते हैं, अपने ऊपर का केस खत्म करते हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से लड़ेगा, जो आरएसएस और भाजपा के सामने में सरेंडर नहीं करेगा, या तो ईडी के डर से या तो सीडी के डर से, उसको इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के टॉर्चर गिरी में बुला करके टॉर्चर किया जाएगा। ये जय सिया राम राम के आड़ में छुपना चाहते हैं, पलटू राम को सामने लाना चाहते हैं। तो इन दोनों का राम नाम सत होना तय है। किसानों का न हो रहा काम और खाली जय सिया राम, नौजवानों का न हो रहा काम और खाली जय सिया राम। तेजस्वी यादव से लगातार कई घंटे से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। आरजेडी के जितने भी नेता हैं, बड़े विधायक हैं, वो सब यहाँ पहुंचे हुए। सतीश जादी हमारे साथ हैं। बीजेपी और जेडीयू तो कह रही है कि माल हड़पे हैं तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और सही बात है, पहले तो बता देते हैं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ, और इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कहते हैं ईडी। ईडी का मतलब ही होता है, जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर बैठे हैं, ईडी मतलब एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, तो डेमोक्रेसी की किस तरीके से हत्या की जा रही है, इनको बताना चाहिए कि हेमंता विश्व शर्मा कितना माल हड़पे थे। 70,000 करोड़ रुपये का आरोप तो अजीत पवार पर नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में लगाया था भाषण में। तो 70,000 करोड़ रुपया हड़पने वाला को अपने यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उन पे सारे केस को खत्म करते हैं। 302 का मुकदमा योगी आदित्यनाथ जी पर था, अपने मंत्रिमंडल में के सामने वो बिल लेकर के आते हैं, अपने ऊपर का केस खत्म करते हैं। तमाम तरह का और भी दफाएं संगीन धाराएं में केसेस थे, उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो माल तो सबसे ज्यादा देश में नीरव मोदी, मोहल चौकसी या फिर विजय माल्या हड़पे हैं। तो उनके यहाँ ईडी सीबीआई की छापा क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मित्रों हैं वो। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से लड़ेगा, जो आरएसएस और भाजपा के सामने में सरेंडर नहीं करेगा, या तो ईडी के डर से या तो सीडी के डर से, उसको इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के टॉर्चर गिरी में बुला करके टॉर्चर किया जाएगा। और जो ईडी या सीडी के डर से सरेंडर कर जाएगा, वो पलटू राम हो जाएगा। आपका कहना है कि आपके नेता तेजस्वी जी निर्दोष है? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी निर्दोष है। ये मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का मामला है, जिसमें दो दो बार कोर्ट ने इसको केस चलने के लायक नहीं समझा, इसको खारिज किया है। वो डेड मामला को सिर्फ टारगेट कर करके इलाया गया है। जिस समय का मामला है, उस समय तेजस्वी यादव जी का उम्र 8 से 10 साल रहा होगा। तो उस समय क्या घोटाला कर रहे थे, ये इनको बताना चाहिए। उस समय ये क्या रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन ले रहे थे, जो सिंबल ऑफ जॉब बन गया, जो नौकरी देने वाला प्रतीक बन गया, उनको लैंड फॉर जॉब में उनको चरित्रहरण करने का काम कर रहा है। तो देश का बच्चा बच्चा और बिहार का एक एक नौजवान जान रहा है कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव होता है। इसकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। बिहार का गांव गांव तैयार है, यदि लालू प्रसाद यादव जी एक इशारा कर दे तो पूरा पटना में चप्पा चप्पा भर जाएगा। सवाल ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि राम आए हैं, उसी का असर है कि नीतीश कुमार और हम एक साथ हो गए हैं, और लोगों ने जो वो सब लोगों ने नारा भी लगाया, आपने देखा भी होगा वो खबर, हमने भी दिखाई, ये लोग नारा लगा रहे थे। देखिए, राम से काम नहीं चल रहा था इनका, इसलिए इनको पलटू राम लाना पड़ा। अब राम और पलटू राम दोनों से काम नहीं चल रहा है। इन लोग 10 साल में काम न धाम किए हैं और खाली जय श्री राम से काम चलाना चाहते हैं। तो किसानों का न हो रहा काम और खाली जय श्री राम, नौजवानों का न हो रहा काम और खाली जय श्री राम, महिलाओं का हो रहा रोज अपमान और खाली जय श्री राम। तो लोग जान रहे हैं कि ये जय श्री राम राम के आड़ में छुपना चाहते हैं और पलटू राम को सामने लाना चाहते हैं। तो इन दोनों का राम नाम सत होना तय है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बड़ी ताकत जनता के पास में है, और जनता एक एक जनता बदला लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव सामना कर रहे हैं सवालों का, लेकिन उन्होंने जब सरकार गिरी उस दिन कहा कि खेला होगा, कौन सा खेल आप लोग खेलना चाहते हैं? भैया, हमारा कहना है कि पलटी अगर नीतीश कुमार मार सकते हैं, पलटी भाजपा मार सकती है, तो उनके विधायक नहीं पलटी मार सकते हैं। खाली अंतरात्मा उन्हीं का जागता है। तो लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, जनता में यदि उनको विश्वास होगा,
तो उनके विधायकों का भी अंतरात्मा जागेगा। और पलटी जब वो मारेंगे तो समझ लीजिए सल्टू राम और पलटू राम कहाँ रहेंगे। अच्छा सतीश जी, आप तो ग्रामीण इलाके से आते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ लीडर हैं, नाराजगी है क्या बिहार में लोगों को? जबरदस्त नाराजगी है, जबरदस्त आक्रोश है, हम लोग जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन लोग कहते हैं कि सर कहूँ ना हमनी का करिए, ये स्थिति है। ये इस तरीके से बढ़िया काम करने वाली सरकार थी सर, नौकरी मिल रहा था सर हम लोग का, 10 साल से हमारा बाल बच्चा सर सड़क पर था, उसको तेजस्वी यादव जी नौकरी देने का काम किए। हमको सर जाति आधारित गणना में हमको सर गरीब गुरबा थे हमको कोई गिनती नहीं होता था, तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी ने सर जाति आधारित गणना करा के हमारी संख्या बताए, जिससे हमारा लोकतंत्र में सर हमारा संख्या बल सामने आया। और ये ऐसा काम हो रहा था सर, और इसको किस तरीके से सरकार को सर पलट दिया गया है सर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जरूर कुछ करूँ सर, पटना तब तक नहीं हुआ हूँ जब तक नीतीश कुमार के इस सरकार के गिरा न दूँ, तब तक पटना से वापस ना आऊँ, ये जनता हम लोग को सर ललकार रही है। ये थे हमारे साथ सतीश जास, आरजेडी विधायक। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आवाम में नाराजगी है, गठबंधन जो तोड़ा गया वो बेमेल गठबंधन बना है, ईडी और सीबीआई का जो मामला है वो सरकार एक तरह से हमारे नेता को परेशान कर रही है, और इस परेशानी से हम लोग घबराने वाले नहीं है।